हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आरएआरपी पे, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। सबसे पहले तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, देन ये कैसे वर्क करता है वो देखेंगे अपन। अगर आपको एआरपी दे पढ़ना है तो मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ सकते हैं, तो आज अपन देखेंगे आरएआरपी क्या होता है। ये आरएआरपी की सिंपल सी डेफिनेशन, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ अनादर होस्ट ऑन नेटवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अनादर होस्ट का अपन को आईपी एड्रेस अगर फाइंड करना है तो आरएआरपी का यूज करते हैं। यही आरएआरपी का रिवर्स होता है, उसमें क्या होता है, मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ये आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं। आज अपन देखते हैं इसकी सिंपल सी वर्किंग। ये इसका सिंपल सा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। जो यहाँ पर सेंडर होता है वो सबसे पहले मैक एड्रेस सेंड करता है अपना पैकेट में और रिक्वेस्ट करता है अपना आईपी एड्रेस के लिए। आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता है, देन क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। तो ये रिक्वेस्ट सारे नोड जितने भी कनेक्टेड है उन पे जाती है। इस नोड पे भी रिक्वेस्ट जाएगी, इस नोड पे भी जाएगी, इस नोड पे भी आएगी और इस पे भी जाएगी। तो क्या होगा, जिसके लिए आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रिप्लाई में अपना आईपी एड्रेस सेंड करेगा। और जो ये रिप्लाई होगा वो होगा सिर्फ यूनिकास्ट। इसमें क्या होगा, सिर्फ जिसने रिक्वेस्ट करी है उसी के पास ये रिप्लाई में जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है। सो गाइस, अगर पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको एआरपी पढ़ना है तो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन